कम अगर लोगे, कुछ लोग कहते अरे हमारा पोसाई ही नहीं पड़ता है कैसे देंगे, समझ रहे हो। लेकिन जो जो नया नया उतरा है ना, से जब यहाँ पर कोका कोला कंपनी आई थी तो अपना सामान को बहुत सस्ता रेट पर बेच रहे थे, जो उसकी लागत से भी कम मूल्य के थे। क्योंकि आपको जब अपने ग्राहक बनाने होते हैं तो आपको कुछ और घटाना पड़ता है मार्जिन से, तो वह भी बिजनेस की एक प्रैक्टिस होती है जब हम उसको कुछ घाटा में भी बेच रहे हैं। हाँ, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ कोई ग्राहक व्राहक आता नहीं है, तो हमारे लिए अब यह जरूरी है कि मैं उसके नीचे बेचूँ ताकि कम से कम आना जाना शुरू हो जाए लोगों का। तो उसके बाद मान लो कि एक सामान को दो सामान को मैं ऐसे बेच भी रहा हूँ, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं कवर कर लूँगा, अन्य सामान से कवर कर लूँगा। अगर एक दो सामान को मैं कम रेट पर भी बेच रहा हूँ, अन्य सामान है ना, उसी बहाने वो अन्य सामान भी जो खरीदेगा तो उससे मैं कवर कर लूँगा, उससे एक ग्राहक की संख्या बढ़ गई, दूसरा मेरा अन्य सामान भी बिकने लगा। हर सामान में तो मुझे रेट गिराने की जरूरत नहीं है, उन सामानों में गिराने की रेट की जरूरत है जो कि ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसको लोग ज़्यादा खरीदते हैं और ज़्यादा जिसका रेट जानते हैं। लोग कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसका रेट जानते रहते हैं, हर सामान का रेट नहीं जानते हैं, कुछ सामान का रेट जानते हैं। तो यह भी पता लगाने की जरूरत है कि वे किस सामान का रेट जानते हैं। जिस सामान का रेट जानते हैं उसी सामान का रेट हम गिरा देंगे, तो उसके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगी अरे वहाँ तो बहुत सस्ता सामान मिलता है, वो कई लोगों को बोलेगा तो उसके माध्यम से आएगा। तो बाकी सामान में तो ठीक है, आप सामान रेट लेंगे या उसमें भी थोड़ा कम कर सकते हैं हल्का सा, लेकिन इसको बॉटम लाइन से नीचे रखेंगे और पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए। बिजनेस एक कैलकुलेशन है कि मुझे इसमें कितना घाटा होगा, अन्य में कितना फ़ायदा होगा, टोटल हमारा क्या रेंज रहेगा, टोटल हमारा कहाँ जाएगा, फायदा में जाएगा घाटा में जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर एक सामान का दाम या दो सामान का दाम हम थोड़ा कम रखते हैं जो लोकप्रिय सामान है, जिसके कारण हमारे ग्राहक बढ़ जाते हैं, भाई नई नई दुकान खोले हैं तो कहाँ से ग्राहक आएंगे, अब तुम उसी रेट पर बेचते रहोगे तो फिर बैठ कर मक्खी मारना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक तो सब लोग सेट हैं, लोग वहाँ जा, फिर तो भूला भटका ना कोई आएगा तुक्का वाला। ग्राहक आ जाए तुक्के वाला नहीं, बल्कि जो दूसरे जगह ग्राहक वेट टूट के आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि सामान का मूल्य तुमको गिराना पड़ेगा, समझ गए। तो उसका उसकी टैक्टिस यही होती है कि एक का गिराएं, दो का गिराएं, बाकी का सामान रखें, बाकी का जैसे अन्य लोग रखे हुए हैं वैसे ही रखें या उससे थोड़ा सा कम रखें, ताकि यह प्रचारित हो जाए कि वो जो है सही सामान देता है, सस्ता देता है, और वहाँ वो जाने लगे, तब तो वो ग्राहक तुम्हारे यहाँ, जब तुम्हारे यहाँ आना जाना ग्राहक शुरू हो गया तो बिजनेस तुम्हारा ग्रो करेगा। बात समझ में आ रही है। अब मान लो कि उसके बाद तो वो तुम्हारा बिजनेस इस तरह से ग्रो कर रहा, बढ़ रहा है, अब उसका पैसे का फाइनेंस का मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे उसका प्रबंधन करें। तुम्हारे पैसे आ गए, अब पैसे आ गए, घर में गए, बीबी को दे दिए, तब तो बिजनेस खूब में चला, वो तो जाएगी साड़ी खरीद लेगी, उसका क्या है, वो तुम्हारे बिजनेस का नियम को नहीं मानेगी, उसको तुम्हारे बिजनेस से बहुत लेना देना। हाँ, पैसे से उसको मतलब है, लेकिन तुम्हारे बिजनेस से मतलब नहीं है। हाँ, तो उसके पास पैसा गया, उसने साड़ी खरीद ली, तुम्हारा सारा जो है लाभ खत्म हो गया, फिर तुम ले देखे पुनः उसको भाव, तो तुम्हारी सारी बुद्धि वहाँ जो लगाई गई थी वो समाप्त हो जा रही है। धन का एक विज्ञान है, एक भी जगह कहीं टूट फूट गया ना तो वहाँ से जीरो हो जाएगा। जैसे बहुत बड़ा घड़ा हो, पूरा लबालब भरे पानी भरा हो, एक जगह कहीं छेद है तो वो धीरे 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 जीरो, चार पाँच छेद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन अगर एक जगह छेद है तो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक जगह भी छेद नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसका फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास पैसा है, तुमको समझना होगा कि ये जो दुकान है, इस दुकान का मैं एक नौकर हूँ, मालिक नहीं हूँ, यह समझना होगा। और नौकर हूँ तो इसका मतलब मैं तनख्वाह लूँगा इस दुकान से, मैं तनख्वाह लूँगा, यानी और तनख्वाह कितनी होगी, किसी भी कंपनी में कोई भी काम करता है तो अधिकतम तनख्वाह 10% होती है लाभ का। 100 रुपया तुमको अगर लाभ हुआ, शुद्ध लाभ की बात मैं कर रहा हूँ, कितना बेचे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बेचने का तुम हो सकता है कि 4000 बेच दिए, 4000 बेचे तुमको उसमें लाभ हुआ 100 रुपया, उदाहरण के लिए, तब 100 रुपया का तुम 10% लोगे, यानी 10 रुपया तुमको तुम्हारा हुआ,
सिर्फ अब उस 10% को तुम चाहे दीदी को दे दो, चाहे बच्चे को दे दो, चाहे खुद खा जाओ, चाहे जो करो, लेकिन तुम उस 100 रुपये में हाथ नहीं डाल सकते। और कुछ लोग उस 100 रुपये की तो बात छोड़ दो, वो जो 4000 आया उसमें भी हाथ डाल देते हैं। वो देखते हैं इतना रुपया आ गया, हाँ तो उसमें भी हाथ डाल देते हैं। और उसके पार्टी शार्टी चल रही है, अरे चलो धीरे धीरे होगा ना, कवर होगा ना, फिर माल लाने के लिए, हाँ फिर होगा ना, देखा जाएगा, हाँ ऐसा सोचते हैं। इसका मतलब वो बिजनेस का नियम को पालन नहीं कर रहा है, उसका बिजनेस समाप्त होने वाला है, समझ गए। तो ये जो मैनेजमेंट है यह बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत लोग मात खाते हैं, बहुत लोग बेच बेच लेते हैं, लाभ भी ले लेते हैं, लेकिन फिर उसको बचा नहीं पाते हैं, यहाँ से उसका समापन शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके पर जो है ना, जो पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि उसके पर नज़र सबकी रहती है, सबको पैसा चाहिए, नज़र सबकी है, तो उसी पैसा पर नज़र जो है तुम्हारी बीवी भी लगाई हुई है, तुम्हारे बच्चे भी लगाए हुए हैं, तुम घर जाओगे तब तक डिमांड हो जाएगी, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ तुम्हारे माता पिता भी लगाए हुए हैं, तुम्हारा भाई भी लगाया हुआ है, बहन भी लगाई हुई है, रिश्तेदार नातेदार सब लगाए हुए हैं उसी पर नज़र, है बहुत कमा रहे चलो खर्चा करो। अब जो है तुम फंस जाओगे उसमें, अब वो जो तुम कमाए हो सब ले लेंगे। बहुत लोग दुकान खोले, जैसे तुम कहे ना बहुत लोग खोले, तो खोले तो कहाँ कहाँ फेल होते हैं, फेल होने के देख रहे हो कितने जगह हैं। और आदमी कमज़ोर पड़ता है कहीं ना कहीं, जहाँ कमज़ोर पड़ा कि बस वहीं से उसका काम ख़त्म है, वहीं उसको मरोड़ दिया जाएगा। शुद्ध रूप से बिजनेसमैन बनना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बहुत कम लोग निकल पाते हैं आगे। तो वो क्या करता है, इसीलिए जो अच्छा बिजनेसमैन है ना, अच्छा बिजनेसमैन का एक गुण और तुम देखोगे जो बता देता हूँ तुमको। अच्छा बिजनेस कभी नहीं कहेगा मैं बहुत कमा रहा हूँ, वो हर समय रोता रहेगा, अरे बहुत हो गया, अरे जो वो रोता रहेगा, क्योंकि जानता है कि मैं रोऊँगा तो ये नहीं मांगेगा। और जहाँ मैं रोना बंद किया कि ये मांगना शुरू किया। अच्छे बिजनेसमैन जो होते हैं ना, फिर अब कभी अपना इनकम जाहिर नहीं करेंगे, अरे दाल रोटी चल रहा है। किसी तरह से वो ऐसा करेगा, क्योंकि वो जो बताएगा, क्योंकि उसके पास लेने वाले बहुत आ जाएंगे। हाँ बहुत लोग निगाह लगाए हुए हैं जहाँ वो उसने प्रतीत कराया। और लोग क्या करते हैं ना, पैसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। पैसे में एक चीज़ और होता है कि पैसे की गर्मी जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। देखते नहीं, एक 1.5 लाख रुपया ही पॉकेट में आ गया तो इतना गर्म करता है, फलना को तो देख लेंगे, रखना को देख लेंगे, उसको मरवा देंगे, उसको पिटवा देंगे। उसकी गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब बिजनेस में का एक गुण होता है ना, कितना भी धन आ जाएगा ना उसकी गर्मी बर्दाश्त कर लेगा, वो उसका तापमान जो है ना एकदम दबा देता है वो। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन के लिए निशानी होती है, उसके बाद रोता रहेगा वो, बल्कि जितना पैसा आएगा उतना रोएगा वो। पता ही नहीं चलने देगा, हवा नहीं लगने देता है वो मेरे पास कितना पैसा है, अपने घर वाले को हवा नहीं लगने देता, वो किसी को हवा नहीं लगने देता वो। इतना जिसमें दम है भीतर में अपनी बात को गोपनीय रखने का, वही बिजनेस में आगे जाता है। नहीं तो लोग तो अपने अहंकार एक ऐसी चीज़ होता है ना कि बहुत प्रचार प्रसार चाहता है और अपने को बड़ा बनना चाहता है। अमीर बनना, अमीर होना, अमीर दिखना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखना। लोग ये अधिकतर सोचते हैं कि लोग मुझे अमीर समझें, तो इसके लिए वो खर्च करता है, हाई फाई जूता ये वो खूब पहनता है, बढ़िया बढ़िया, और अपने घर में भी सब बोले अरे इतना कमा रहे हैं, अरे क्या पूछना, अरे चलो ये कर लेंगे, अरे उसको देख लेंगे, अरे खरीद लो ये खरीद लो, तब उसने वो इसके पास पैसा है तभी तो बोल रहा है। बस लोगों को बस एक खबर लगनी चाहिए कि इसके पास पैसा है, फिर तो सब लूटने वाले तैयार हो जाएंगे, उसी में ठगने वाले भी तैयार हो जाएंगे, कई लोग तैयार हो जाएंगे, कितने लोग, कुछ लोग हैं मोड़ पर खड़े हैं कि आ रहा पैसा तो छीन लो इसका। कितने तरह के लोग पैसा को बचाना, हर जगह उसको लूटने वाले लोग मौजूद हैं, एक एक कदम कदम पर, और यहाँ तक कि तुम जहाँ बैठे हो वहाँ पर भी। और उन सबसे बचा कर निकालना, ये मामूली शतरंज का खेल नहीं है ये। हाँ एक एक से निकालना, कोई ऐसा तुमको रिश्ता नहीं दिखेगा जो कि पैसा नहीं लेगा, एक भी रिश्ता ऐसा नहीं दिखेगा।
सरकार तुमसे टैक्स लेगी, गुंडे तुमसे टैक्स लेंगे, पुलिस तुमसे टैक्स लेगी, घर वाले टैक्स लेंगे, रिश्तेदार लेंगे, यार दोस्त सब लेंगे, भाई बहन सब लेंगे, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं कोई नहीं छोड़ेगा, समझ गए। तो कभी भी शो ऑफ कभी नहीं करना बिजनेस का, ये बहुत साधारण सा ड्रेस पहनो पैसा वाला बनाए, साधारण सा ड्रेस, साधारण सा खान पान, ये नहीं कि मुर्गा मसाला दारू बोतल सब चल रहा है, एक तो पैसा इसमें उड़ेगा, दूसरा कई ग्रुप बन जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि इसके पास धन है बहुत, तभी तो मस्ती कर रहा है, इतना उड़ा रहा है, बहुत कमा रहा है, चलो थोड़ा हम लोग भी हाथ साफ कर लें। तो जो सही बिजनेसमैन है वो एकदम शुद्ध शाकाहारी, कहीं पार्टी पुटी में नहीं जाना, आराम से रहना, सादा भोजन करेगा, सबके सामने में रोएगा अपना दुखड़ा। क्योंकि जहाँ वो रोना बंद किया कि लोग हमला करेंगे, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी के सामने भी रोता रहता है, सबके सामने भी रोएगा, ये नहीं कि पत्नी सामने में बड़ा बनने की कोशिश करेगा डिंग आकेगा, तब तो बहुत बुरा फंसेगा। एक उसकी पत्नी के भी तो बहुत यार दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, मैके हैं, पैके हैं, सब मांगे, अरे तो दे दो, वो तो उसका भाई होगा, उसको भी जरूरत पड़ जाएगी, उसके भी बीमार हो जाएंगे, फिर वो पैसा मांगेगी, जीना हराम कर देगी, थाली तो पटकने लगेगी तेरे सिर पर, हाँ झंख मार करके संबंध बचाने के लिए देना पड़ जाएगा, क्योंकि रोज़ कल्ला कौन घर में झेलेगा, हराम कर देगी। तो पत्नी को भी हवा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास कितना है, उसके सामने भी रोते रहेगा, अरे घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हर से परेशान रहेगी। अगर उसके सामने तुमने बहुत लाभ का जिक्र किया तो फंस गए बहुत बुरा। बात समझ में आ रहा है? तो तुमको उसका जो कभी डिस्क्लोज नहीं करना है उसको, इसको लक्ष्मी को इसलिए बहुत सीक्रेट रखा जाता है, लक्ष्मी जो है ना वो बहुत गोपनीय चीज़ है, वो ज्यों उजागर होगी कि बस लुटेरे उस पर, सब समाज में हर व्यक्ति लुटेरा है, ये तुमको जान लेना पड़ेगा। लूटने के तरीके सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन हैं सब लुटेरे ही, लेंगे हर हाल में। बंद कर दो, तो लेंगे हर हाल में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये एक गोपनीय चीज है, रखे रहना, ठीक है, एक बात ये हो गया। अब इसके बाद उसका जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से करना कि कुछ पैसा तुमको जो अपना बिजनेस के ग्रोथ के लिए चाहिए वो रख लेना, मतलब टोटल को जितना तुम अपना जितना रखोगे अपने घर के खर्चे के लिए उसको अलग कर दो, बाकी जो हिस्सा है उसका चार हिस्सा कर दो, एक हिस्सा फिर जो है कहीं पर अपना रखो जहाँ कभी भी ज़रूरत पड़े बिजनेस के लिए, या कभी घर के लिए आपात स्थिति आ जाए कुछ उसके लिए, वो एक हिस्सा अपना रखो ताकि उस हिस्से का कभी प्रयोग कर सको। एक हिस्सा जो है वो बिजनेस के ग्रोथ में लगा दो, और एक हिस्सा रखो जिससे कि तुमको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि अलग कुछ जो है कुछ कारोबार शुरू कर सको, दूसरा कारोबार शुरू कर सको, या दूसरी जगह पैसा लगवा लो, तुम्हारा अपना ये सामान दुकान भी चल रहा है, मान लो कहीं से अत्यार में पैसा लगा रहे हो या सोना तोना खरीद रहे हो कुछ इस तरह से, मैंने अलग जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि पैसा जो है सदैव एक ही चीज़ में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ अगर डूब जाए तो फिर आदमी रोने लगता है, उसके पास इतना होना चाहिए कि मेरा एक जगह और सुरक्षित है। तब आर्थिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि हमारा धन जो है न्यूनतम चार पांच जगह बटा हुआ हो, चार पांच जगह जिसका धन का स्रोत है, जैसे कुछ खेती से भी धन आ रहा है, कुछ बिजनेस कर रहे हैं उससे आ रहा है, कोई बिजनेस में कहीं और किसी जगह पैसा लगाया वहाँ से आ रहा है, कहीं वो कुछ ब्याज व्याज में लगाए हुए हैं वहाँ से आ रहा है, मतलब कहीं से कहीं आ रहा है, कहीं शेयर वेयर खरीदे वहाँ से आ रहा है, कई जगह का स्रोत रहता है, तो ग्रोथ भले स्लो होगा लेकिन उसका दिमाग सुरक्षित रहेगा, ब्लड प्रेशर सही रहेगा, अन्यथा कभी विपत्ति हो जाने पर इतना डिप्रेशन हो जाएगा कि जो थोड़ा बहुत कमाया है वो डॉक्टर सब ले लेगा।
अच्छे बिजनेसमैन का यह भी एक काम है कि स्वयं को रोग से बचाए रखे और परिवार को भी रोग से बचाए रखे, क्योंकि हम क्योंकि बाकी चीज़ें खर्चे तो तुम मैनेज कर सकते हो, रोग के खर्चे मैनेज नहीं कर सकते। उसके लिए तो तुमको अचल संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है, जो जमीन है घर है उसको भी बेचना पड़ सकता है। डॉक्टर जो हैं वो बड़े बड़े डाकुओं से भी बड़े डाकू हैं ये सब डाकू आएंगे ना तो कट्टा पिस्तौल दिखला के घर का जो है खाली सामान जेवरात और नोट यही सब ले जाएंगे, लेकिन डॉक्टर तो तुम्हारा सब संपत्ति बेचवा कर सब ले लेगा। इसीलिए रोग से बचे रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक अच्छे बिजनेसमैन को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। सुबह का 2 घंटा समय जो है योग पर ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखो ताकि तुम काम करने के योग बने रहो और अपने घर परिवार वाले को करो, क्योंकि तुम ठीक तो बने रहे, तुम्हारे घर वाले ठीक नहीं बने रहे तो फिर तो बात वही होगी, एक भी फंसेगा तो सब ले लेगा, जिसके प्रति तुम्हारी जिम्मेवारी है बहुत गहरी जिम्मेवारी है। जहाँ दूसरा कोई खर्च नहीं करेगा तुमको ही खर्च करना है, एक पत्नी में तुम्हें खर्च करना है, बेटे बेटी में तुमको खर्च करना, भाई बहन में तुमको खर्च करना पड़ सकता है अगर वो तुम्हारे नीचे अभी कमा जमाने रहे तो माँ बाप पर खर्च करना पड़ता है। इतने लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान तो तुमको रखना पड़ेगा और इतने लोगों को तुमको प्रेरित करना पड़ेगा। हाँ, फोर्स तो नहीं कर सकते, प्रेरित कर सकते हो, तो प्रेरित कर करके उनको स्वास्थ्य में वो किए रहो। तो ये स्वास्थ्य बहुत बड़ा कारण है, बिजनेसमैन इस पर भी ध्यान नहीं दे पाते, बहुत सारे जो कहते हैं ना वो दुकान लोग खोले हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे नहीं बढ़ पाते। तुमने कर करके जमा भी कर दिया 5 लाख, तब तक पता चला कि उसको ऐसा बीमारी हो गया, सब डॉक्टर ले लिया पैसा, भाई पुनः मुस्को भवा जहाँ थे वहीं पर है, कोई मेहनत करा इस तरह से, और 5 लाख कमाने में 5 वर्ष लग गया उसको, 5 वर्ष जीवन का ख़त्म हो गया इस तरह से। फिर रह रहे फिर कोई दूसरी बारी आएगी हर 5-5 वर्ष पर, तो फिर ले कर वहीं रह जाता आदमी, नहीं बढ़ पाता है, समझ रहे हो। ये स्वास्थ्य बहुत बड़ा कारण है, तो स्वास्थ्य को ठीक रखना ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। कितने बिजनेसमैन इसका पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो समझदार अच्छे हैं वो है, वो कर रहे हैं सब, तो एक बात इसको भी समझ लो। अब इसके बाद है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना कमाऊंगा और अपना पैसा लगाऊंगा इससे बढ़ूंगा, लेकिन अपने पैसे से तुम बहुत नहीं बढ़ सकते कभी भी। अपना पैसा तुम्हारा इतना नहीं हो सकता कि बहुत बड़े तुम बिजनेसमैन बन जाओ, ब्रांड बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तुमको समाज का पैसा लगाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा समाज से, और वो पैसा जैसे बैंक से लोन के रूप में मिलता है या फाइनेंस कंपनियों से मिलता है या ऐसे प्राइवेट में भी जो लोग देते हैं ब्याज पर उनका पैसा मिलता है या नातेदार रिश्तेदार से पैसा मिलता है, उन सब का पैसा तुमको लेने का हुनर सीखना पड़ेगा। और वो तब होगा, तुम जो है अपना जानते हो कि मैं इतना लिया हूँ तो इतना मुझे लाभ मिल रहा है, इसमें मैं इतना दूंगा, इतने समय में दे दूंगा, ठीक है, तो उतने तक किस्त बन जाता है बैंक में, तो उतना देने के बाद फिर वो अदायगी हो जाती है तो फिर बैंक तुमको और ज़्यादा लोन देगा। तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं सब ऋण में ही होते हैं, हाँ, क्योंकि उसका एक प्रोजेक्ट पूरा होता है फिर वो ऋण ले लेता है, क्योंकि तभी तो तेज़ी से बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। अगर सोचेगा कि अपने पैसे से बढ़े तो नहीं बढ़ सकता, ऋण तो लेना ही पड़ेगा बढ़ने के लिए। तो लेकिन ऋण का पैसा का प्रबंधन बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आदमी बर्बाद हो जाता है, ऋण भी वो लौटा नहीं पाता है तो जो उसका है वो सब बिक जाता है। हाँ, तो इसके यहाँ पर फायदे हैं, वहाँ एक नुकसान भी है, तो जब फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं तो नुकसान भी ज़बरदस्त है, तो इसीलिए ऋण बहुत समझदारी से लेना चाहिए और बहुत जिम्मेवारी के साथ लेना चाहिए और जिम्मेवारी के साथ उसको अदा करना चाहिए। ऋण से लिया हुआ, कितने लोग ट्रैक्टर निकाल लिया ऋण लेकर चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं सोच रहे हैं कि मेरा ही पैसा है, और किस्त जब देना पड़ता है तो हालत ख़राब होती है।